हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनलाइन सीएसएस क्या होती है। तो जिसने इनलाइन सीएसएस नहीं आती है, सीखना है तो वीडियो देखें। ये अब इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं। सॉरी, एक्सटर्नल नहीं, इन ये एक इनलाइन सीएसएस थी और एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इंटरनल सीएसएस का यूज हम कैसे करते हैं। तो इनलाइन सीएसएस को अब हम हटाएंगे यहां से और इंटरनल सीएसएस का यूज करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए, मैं यही जो पहला डॉक्यूमेंट है, जो फर्स्ट वीडियो में बनाया था मैंने, तो इसी की सीएसएस को मैं आपको बना के दिखाता हूं कि इंटरनल कैसे यूज करते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा यहां क्यों करते हैं। हेड हम जाएंगे हेड टैग के अंदर और यहां हम लेंगे स्टाइल एलिमेंट स्टाइल टैग। ये ले लिया हमने स्टाइल एलिमेंट यानी स्टाइल। अब ये सारी सीएसएस हम यहां लिखेंगे, अब हमें एलिमेंट में देने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ क्लासेस और आईडी का हम यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहां से ये सीएसएस में यहां से हटा लेता हूं। यहां मैं देता हूं क्लास, क्लास का नाम दे देता हूं हेड या एचडी, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी नाम है ना। अब मुझे यहां क्या करना होगा, यहां अगर मैंने क्लास का नाम लिया है दिस वन, ठीक है ना, तो यहां मैं ले लूंगा एच डी एल और इस तरह। अब ये जो सी एस एस होगी यहां वाली, इस सी एस एस को मैं कॉपी कर लेता हूं, कट करके मैं यहां डाल देता हूं और इस स्टाइल एट्रीब्यूट को मैं गुड बाय बोलता हूं। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूं क्लास। इस क्लास के एट्रीब्यूट में मैं क्लास का नाम ले लेता हूं पेज। तो यहां मुझे पेज को कैसे यूज करना होगा, क्लास को डॉट लगाएंगे, उसके बाद पेज लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जो होता है स्टार्ट एंड क्लोज्ड, और यहां से जो स्टाइल है जो सीएसएस है यहां से कॉपी करेंगे और यहां से कट करेंगे। ये मैं यहां से हटा देता हूं और पेज में यहां लगा देता हूं। इस स्टाइल को बोलना है गुड बाय, मतलब हटा देना है, इसका कोई हमें यूज नहीं है। चलिए हम इतना करके देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा पेज था पहले, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये इसका मतलब हमारा काम सही चल रहा है। अब ऐसे यहां ले लेता हूं मैं क्लास और यहां ले लेता हूं मैं पेज आईएमजी पीजी आईएमजी। ओके, तो यहां मुझे क्लास में क्या करना होगा, डॉट पीजी आईएमजी। इसी तरह से मुझे अब यहां से सीएसएस को हटाना होगा और यहां जो ये क्लास है आपने क्लास दी है पीजी आईएनजी, उस क्लास में इसकी सीएसएस को हमें डालना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। अब मैं यहां से जो एट्रीब्यूट है स्टाइल इसको हटा देता हूं। तो अब देख रहे होंगे दोस्तों कि पेज आपको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। पेज भी ये आप कोई भी जो पेज देखेगा, दूसरा डेवलपर होगा, वेब डिजाइनर होगा, उसको आसानी से चेंज करने में परेशानी नहीं होगी इसको चेंज करने में। सीएसएस एक जगह लिख दिया आपने और देखो कितने छोटे उसमें एक काम हो रहा है। ये एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये छोटा था, कितने क्लियरली आप देख पा रहे हैं इसमें और सीएसएस को आप एक साथ पढ़ पा रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर आने आप अगर वेब डिजाइनर हैं, एचटीएमएल में आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपसे कहा गया है भाई ये चेंज करो, इसमें प्रॉब्लम आ रही है टेक्स्ट में डिव में, तो आप आसानी से क्या करेंगे, आप पहले उसमें देखेंगे क्लास का नाम क्या है, आपने क्लास का नाम चेक करेंगे, इस डिब में प्रॉब्लम है इस पेज में,
पैराग्राफ है उसको चेक करके आप स्टाइल को ढूंढेंगे यहाँ पर हेड में सीधा, और वहाँ देखेंगे आपका ये जो है पेज कहाँ पर है, ये पेज है, तो आप सीधा यहाँ पर उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको दिखा देता हूँ, ओके करेंगे, ये देखिए गाइस कुछ चेंज आया, कुछ चेंज नहीं आया इसमें। ठीक है, अब हमें जो चेंज करना होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप ऐसे कीजिए इसका बॉर्डर बढ़ाइए, ठीक है ना, जो पैराग्राफ है। तो अब आपको एलिमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा जाऊंगा कि ये एक एलिमेंट क्या था, पेज, ये पेज है, इसमें क्लास क्या है, क्लास का नाम, क्लास की वैल्यू क्या, पेज है ना, ये जो एट्रीब्यूट है क्लास, ठीक है ना, ये हमने पेज नाम दिया इसको, ओके, तो ये पेज यहाँ मिलेगा जो पैराग्राफ में है, उसमें इसने कहा है कि हम इसको यहाँ से बॉर्डर को हम कर लेते हैं 20, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि यहाँ जो हम कर रहे हैं ये था इंटरनल सीएसएस। तो आई होप समझ गए होंगे आप ये क्या करना चाहता है, ये इंटरनल सीएसएस हम क्यों लिखते हैं, समझ गए होंगे ये कितना छोटा सा ये है ना, ठीक है ना, ये समझ गए, बाकी आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जब आगे काम करेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों तब तक के लिए बाय और हैव अ नाइस डे, और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिल पा रही है नहीं, जैसे भी हो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं ढेर सारे वीडियोस बना सकूं, और अब तो नहीं रुकना है मुझे, अगर आपके लाइक मिलेंगे और सब्सक्राइब अगर मिलते हैं उनको, अगर रीड होता है ज़्यादा मेरा चैनल, तो ये लाइफ टाइम जो है मैं इस पर हर प्रॉब्लम से वेब डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, उस पर ये वीडियोज़ बनते रहेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।